ये है कि एक मास्टर साहब क्लासरूम में बहुत सवालात किया करते थे। उनको तरह तरह के सवाल करने की आदत थी। मसलन बच्चों से पूछते थे कि बच्चों लाल किला देखा है? बच्चे कहते कि नहीं सर, नहीं देखा है। तो वो बच्चों को ताने दिया करते थे, अरे यार क्या हमेशा घर में घुसे रहते हो, कभी तो घर से बाहर निकला करो। अगले दिन फिर बच्चों से कहते हैं, बच्चों कुतुब मीनार देखा है? नहीं सर, नहीं देखा है। अरे भाई कभी तो घर से बाहर निकला करो, हमेशा घर के अंदर ही बैठे रहते हो। बच्चों ताजमहल देखा है? नहीं सर, नहीं देखा है। अरे भाई कभी तो घर से बाहर निकला करो, हमेशा घर के अंदर रहते हो। बच्चे मास्टर साहब के सवालात से आजीज आ गए, तंग आ गए। बच्चों ने फैसला किया कि आज हम मास्टर साहब से सवाल पूछेंगे। मास्टर साहब क्लासरूम में दाखिल होते हैं, बच्चे उनसे सवाल करते हैं, मास्टर साहब राम सिंह को जानते हो? मास्टर साहब ने कहा कि नहीं बच्चों। बच्चों ने कहा कभी तो घर में रहा करो, हमेशा घर से बाहर रहते हो। आइए कुछ हंसा जाए। मैं गुजारिश करता हूं मऊ से एक ऐसा फनकार जो आपके इस इलाके की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहा है, जो अचानक के नाम से मशहूर है, रहमतुल्ला अचानक का जोरदार इस्तकबाल कीजिए ताकि वो देर तक आपको हंसा सके। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब रहमतुल्ला अचानक साहब जो मऊ से तशरीफ लाए। दीवारे दीवारे शायरी पर टोकरा लगा रहा हूँ। दीवारे शायरी पर टोकरा लगा रहा हूँ, सठिया गया हूँ मैं भी, ये क्या लगा रहा हूँ। दीवारे शायरी पर टोकरा लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, सठिया गया हूँ मैं भी, ये क्या लगा रहा हूँ। अब बर्बाद मीर जी को पहले ही कर रहा था, गालिब की अब गजल पे मक्ता लगा रहा हूँ। गालिब की अब गजल पे मक्ता लगा रहा हूँ। दो चार शेर पहले मेरी पसंद का सुनिए, फिर आपकी पसंद का चलेगा। मेरी आदत है कि पहले कुछ अपना फिर अपनी औकात पे आता हूँ। चार मिसरे ये हैं कि हर मरस की मैं दवा बन जाऊं क्या, वाह, हर मरस की मैं दवा बन जाऊं क्या, आग पानी और हवा बन जाऊं क्या, वाह, आ गई है हाथ में दौलत मेरे, सोचता हूं अब खुदा बन जाऊं क्या। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हर मरस की मैं दवा बन जाऊं क्या, आग पानी और हवा बन जाऊं क्या, आ गई है हाथ में दौलत मेरे, सोचता हूं अब खुदा बन जाऊं क्या। और चार मिसरे बच्चों के लिए कि जर जन जमीन और जमा देखता हूं मैं, जर जन जमीन और जमा देखता हूं मैं, बैठे बैठाए सारा जहां देखता हूं मैं, ख्वाबों का नेटवर्क कभी कितना अजीब है, अपने मकान से उनका मकान देखता हूं मैं, वाह, ख्वाबों का नेटवर्क भी कितना अजीब है, अपने मकान से उनका मकान देखता हूं मैं। और चार मिसरे और मुलादा फरमाए के हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूं। वाह, हर कदम पर। देखिए जवानी या बुढ़ापे का फर्क है, लेकिन फिर भी मामला कुछ ही दूसरा हो जाता है। चार मिसरे में देखेंगे कि हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूँ, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ। हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूँ, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ। और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको शक है मैं अचानक हूं के आसाराम हूं। भाई क्या कहने अचानक भाई, वाह 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 वाह। हाँ पढ़ रहा हूं भाई। फिर पढ़ दीजिए साहब। अरे मैं पढ़ने ही के लिए आया हूं, आप नहीं कहेंगे तब भी पढ़ ही के जाऊंगा। हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूँ, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ। लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको शक है मैं अचानक हूँ के आसाराम हूँ, मुझको शक है मैं अचानक हूँ के आसाराम हूँ। और चार मिसरे ये दुआ की मुलाजा फरमा लें के बुरा हूँ भाई। गरीब आदमी, हर आदमी चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए,
मैं भी चाहता हूं कि पैसे वाला हो जाऊं, कैसे होना चाहता हूं चार मित्रों में देखेंगे कि बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, किसी सरदार का चमचा बना दे, और गरीबी गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, राई तू मुझे नेता बना दे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बुरा हूँ क्या कहने भाई रहमतुल्लाह अचानक साहब। अरे भाई दादा मत कहो अभी मैं एकदम जवान हूँ, स्मार्ट हूँ यार, दादा कहा कहो। हाँ बम्बई वाला दादा कह सकते हैं, यहाँ वाला नहीं। क्या बुरा हूँ, बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, वाह, किसी जरदार का चमचा बना दे, बहुत गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। वाह वाह। और चार मिसरे मुलाजा फरमाए के वो जहनो दिल को इस तरह कंगाल करे है, वाह, वो जहनो दिल को इस तरह, वो जहनो दिल को इस तरह कंगाल करे है, बेहाल दिल को और भी बेहाल करे। वाह। वो जहनो दिल को इस तरह कंगाल करे है, बेहाल दिल को और भी बेहाल करे है, रातों को मुझे चैन से सोने नहीं देती, नंबर बदल बदल के मुझे कॉल करे। वाह 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 वाह, नंबर बदल के मुझे कॉल, वो जहनो दिल को इस तरह कंगाल करे है। अरे दोबारा ही पढ़ रहा हूँ भाई, ऐसा ही एक जगह मैं मुशायरा पढ़ रहा था, ऐसे जो कह रहे हैं कि दोबारा पढ़िए, एक आदमी बीच में बैठे हुए थे, दाँत वोत नहीं दे रहे थे, मैं भैया आप दाँत नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कि फारसी में पढ़िए तो कुछ दाँत दो, मैंने कहा कि फारसी में तो पढ़ रहा हूँ, कहते हैं अगर फारसी में तब वाह वाह वाह, कैसे भाई दोबारा ही पढ़ रहा हूँ भैया, कि वो जहनो दिल को, वो जहनो दिल को इस तरह कंगाल करे है, बेहाल दिल को और भी बेहाल करे, और रातों को मुझे चैन से सोने नहीं देती, नंबर बदल बदल के मुझे कॉल करे है। और चार मिसरे थोड़ा सा दूसरे ढंग के हो गए, इसको भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आऊंगा औकात पे, ये चार मिसरे थोड़ा सा कि मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ। देखिए जब किसी पे कोई आफत या बला आती है या कहीं हो तो वो अपने वहदे का अपने मर्तबे का हवाला देता है, ये अम्बार में कहते हैं कि चिन्हत नहीं कहो, तो यहाँ वो चिन्हवा रहा है अपने को, कैसे चिन्हवा रहा है चार मिसरों में देखेंगे कि मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ और गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूँ, मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ, गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूँ, और फरिश्तों मुझे मत जहन्नम में फेंको, कई मदरसों का मैं नादिम रहा हूँ, फरिश्तों मुझे मत जहन्नम में फेंको, कई मदरसों का मैं नाजिम रहा हूँ। अच्छा चार मिसरे मोहन साहब, मुझसे एक मरतबा हमारे शहर के चेयरमैन साहब ने कहा कि थोड़ा सा शायरी में दूसरी जबान का लफ्ज भी लाया करो। सलीम भाई वाह, दूसरी जबान का लफ्ज लाया हूँ तो कुछ अरबी है, कुछ उर्दू है, कुछ मेरी अपनी बनाई अरबी है, हाँ उसको भी पढ़ दूंगा, पढ़ूंगा पढ़ूंगा जी। अरे आरिफ साहब भी हैं, ये चार मिसरे के बाद आरिफ साहब की एक फरमाइश है, तो उसमें कई जबान के लफ्ज हैं, कुछ मेरी अपनी बनाई हुई अरबी है, कुछ ओरिजिनल है, कुछ मिली जुली है, चार मिसरों में देखेंगे। इरशाद के सरे बाजार कुन्ना जाल सीना, पढ़े लिखे लोग हैं अरबी जानते हैं, मैं तो कम जानता हूँ, लोगों से पूछ पूछ के लिखता हूँ कि सरे बाजार कुन्ना जाल सीना फमर्रत खर्दतुम मिन दिलवरीना, फमर्रत खर्दतुम मिन दिलवरीना, कहा मैंने कि आईना तज़हबीना, लगी कहने के तुमसे मतलब ही ना भाई, वाह वाह वाह, लगी कहने के तुमसे मतलब ही ना। और अचानक एक मतलब दो शेर की फरमाइश की आरिफ आदमी साहब ने कि किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, वाह क्या, किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते तो हमारी छत के कौए भी कबूतर हो गए होते, वाह, तो हमारी छत के कौए भी कबूतर हो गए होते, और अगर गालिब की हमजुल्फी मयसर हो गई होती, वाह, अगर गालिब की हमजुल्फी मयसर हो गई होती
तो हम अंगूर की बेटी के शौहर हो गए। अगर गालिब की हमजुल्फी मयसर हो गई होती तो हम अंगूर की बेटी के शौहर हो गए होते, और खुदाए पाक की हम पे नवाजिश हो गई, वरना वाह खुदाए पाक की हम पे नवाजिश हो गई, वरना इलेक्शन हार जाते तो फटीचर हो गए होते। वाह वाह वाह, खुदाए पाक की हम पे नवाजिश हो गई, वरना इलेक्शन हार जाते तो इलेक्शन हार जाते तो फटीचर हो गए होते। और दो तीन से की फरमाइश है, हाँ पढ़ दे रहा हूँ, हाँ पढ़ता हूँ। असल में मेरी आवाज थोड़ा फंसी हुई है, इधर कुछ साफ हो गई है, पढ़ रहा हूँ। हाँ हो जाएगी ना, कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी से ठीक सूरत हो खुदाया मेरी। वाह, ओ मेरा काम अमीरों की है माया करना, दर्दमंदों की ज़ईफों की मरम्मत। भाई वाह 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 वाह, दर्दमंदों दर्दमंदों की ज़ईफों की मरम्मत करना, हम भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको, लहलाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं। बहुत लपे आती क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।